लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। रही थी किसी मोड़।
कॉल कीजिएगा याद से 24 घंटे आई एम फ्री सर्विस। ए मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझ में आ गया ना? वैसे अभी आप जा कहाँ रहे हो? कॉलेज के बाद घर ही जाऊंगी ना, और कहाँ, बेवकूफ। और अगर मैं अपनी गाड़ी पे छोड़ दूँ तो? चेक करूं, माय बेस्ट फ्रेंड कनिका। अरे मानसी, ओह गॉड। हेलो हेलो, सॉरी तुझे डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे मानसी, आज कैसे तुझे मेरी याद आ गई? वो एक्चुअली मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। क्या? रुको रुक रुक। हाँ मानसी, तुझसे एक सीक्रेट शेयर करनी थी। अच्छा तुझे पता है आज कॉलेज में क्या हुआ?
तो सुन रही है ना? हाँ अच्छा, क्या बोल रही थी तू? मुझे मिलना है यार, आज और अभी। क्या पागल हो गई है क्या? अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं कॉलेज में नहीं पढ़ती हूँ। मैं अभी मेरे हस्बैंड के साथ हूँ यार, मैं नहीं आ सकती हूँ। नहीं नहीं, लेकिन क्या? लेकिन बोलना। एक्चुअली वो हमारे कॉलेज का सीनियर है, अविनाश। अच्छा अच्छा। और थोड़ा पागल भी है। जाते जाते वो अपना नंबर दे गया। अच्छा गिटारिस्ट है। अब समझी, रातों को एक लड़की का एक लड़के के बारे में बातें करना, रातों की नींद उड़ जाना, सुख चैन सब खो जाना, है ना मानसी? देख, तेरा मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, हम दोनों अनाथ हैं। लेकिन मेरी शादी हो चुकी है, अब तुझे तेरा ख्याल खुद सीरियसली रखना होगा। किसी मोड़ पर, किसी राह पर किसी एक शख्स का मिलना, लेकिन वो सही है या गलत, इसका फैसला तुझे लेना होगा। वरना इस जीवन के जंगल में हल्का सा गलत रास्ते को चुना इंसान को मौत की गुफा में ढकेल देता है। समझी ना मानसी? हाँ समझी, रखती हूँ आप। ए मानसी, नाराज हो गई क्या तू? अरे नहीं यार। अच्छा चल ठीक है, मैं बहुत जल्दी तुझसे मिलने आऊंगी, तुझसे भी और तेरे होने वाले बॉयफ्रेंड से भी। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। क्यों नहीं किया? हुआ? इससे अच्छा तो क्या ये रहेगा? Really? हाँ। क्यों? मेरे नाम का पहन लो तुम्हारे गले में। कुछ भी, तुम पागल हो जो तुम्हारे नाम का पहनू? मानसी ये क्या कर रही हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। क्यों रे, क्या हो रहा है? लड़की छेड़ रहा है तू? नहीं चाचा, ये मेरे होने वाले मंगेतर है। अच्छा अच्छा, प्यार का मामला है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लगे रहो लगे रहो। आओ मान, बचा लिया ना तुम्हें।
अच्छा ये घर है क्या? हाँ तो काफी अच्छा है। बड़ी देर लगा दी आपने, आप तो दोपहर को आने वाले थे। नहीं वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड थोड़े काम में बिजी हो गए थे तो इस वजह से मुझे अकेला आना पड़ा। ये मेरी दोस्त, मेरी दीदी, मेरी सब कुछ। और मैं कुछ भी नहीं। तुम चुप रहो मानसी। अच्छा तो अविनाश अगर आप बुरा ना माने तो क्या एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। आप शराब पीते हो क्या? नहीं नहीं मैडम, ये कहाँ शराब पीता है। आप कौन? ये मेरा बचपन का दोस्त है। हाँ ये मेरे बचपन का दोस्त है। हाँ, मैं इसका बचपन का दोस्त हूँ, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अच्छा तो तुम गारंटी ले रहे हो। बहुत अच्छा है मेरा दोस्त। आप दोनों बस खुश रहो, बस यही चाहते हैं हम। अब जल्दी से तुम दोनों शादी कर लो। कांग्रेस अभी। और मैंने तुम्हारे लिए लोनावले के टिकट्स बुक की है। इंजॉय कीजिए। चलो मस्त होटल है यार। चलो मानसी। हाँ आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं मेरी वाइफ। अच्छा, वाइफ है। चलो मैं अपने भाई से मिलवाता हूँ, पूरी टीम आई है। ओके। चल, चल, चलो सोनू भैया चलो। भाऊ ये अभी है, अपने नागपुर शहर से ही है। अरे अपने नागपुर से? जी। अरे आपसे मिलके खुशी भैया। अच्छा ये कौन है? ये मेरी बीवी है। ओ हनीमून कपल, बहुत खूब। अरे हमारे बीवी भी इतनी खूबसूरत होती ना तो हम रोज ही हनीमून मनाते। चलो मिलते फिर रात में डिनर पे। और हाँ भाभी जी को रात में लाना मत भूलिएगा। बिल्कुल मिलते हैं खाने पर फिर आपसे। चलो। अच्छा भाई मिलते हैं रात को। हाँ ठीक है। क्या बात है, उस नई लड़की पे दिल आ गया क्या? अरे नहीं जाने मन, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका क्या है, जो भी होता है वो तुम्हें पता कर ही होता है ना। आ, 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 ये मेरी जान। अच्छा हो। Thank you.
से ही चुरा लो, रब के नजर से भी चुरा लो, रग रग में तू ही समाई है, आ मौसम की मेहरबानी है, आजा ये जिंदगी लुटा दो। हाँ जी मैडम जी। मैडम के लिए एक हॉट पैक बना। बना रहे साहब जी। ओके चलो। और जन। एक स्ट्रॉन्ग बियर। ओके। एक मेरे लिए भी। ओके। हाँ अमजद भाई। हाँ। बड़ा खूबसूरत है ये लोना वाला, हर साल आएंगे ना डार्क। तुमसे खूबसूरत तो मुझे कुछ नहीं लगता जान। अरे भाई थैंक यू। हाँ तो कोल्ड ड्रिंक टेबल पे लगा दीजिए। ओके बाजी बैठो तुसी। अरे अभी सलाम। अरे अभी जी आइए ना बैठे ना। एवी हम कहीं और चल के बैठते। अरे भाभी जी क्या बात है, इतनी भी क्या नाराजी हमसे जो आप हमारे टेबल पर बैठने से मना कर रहे हैं आप। बैठो बैठो। अरे बैठ जाओ भाई। आओ मानसी अपने ही। बैठो अभी। थैंक यू। बताओ क्या खाओगे तुम? चलेगा कुछ भी। कहाँ मिले थे तुम दोनों? कॉलेज में ही पसंद किया इसे। अच्छा क्या बात है। बढ़िया जोड़ी है लेकिन तुम दोनों की। अच्छा मैं एक मिनट में आती हूँ। मानसी तुम चल रही हो क्या? हाँ चलती हूँ। और ये भी मेरे दोस्त एग्जाम हो जाए। अरे नहीं भाई अपन ने पीना छोड़ दिया। वन मोर बियर ले लो मैडम। अरे लेना यार। वो नाराज हो जाएगी यार। अरे यार मेरे दोस्त। अरे तुम कौन से जमाने में जी रहे हो यार? ये कलयुग है कलयुग। और तुम्हें पता है कलयुग में लड़के सती सावित्री बनते हैं और लड़कियां है ना रावण बनती है। नहीं वो वैसी नहीं है। मैं नहीं पीती। एक सिप मार ले यार। मैंने कहा ना नहीं। मैंने कहा ना। तुम्हें झूठ लग रहा है। नहीं प्लीज। अरे वो देखो वो देखो तुम्हारी बीवी। तुम्हारी बीवी शराब पी रही मेरी बीवी के साथ। लेना यार। नहीं नहीं यार वो ऐसा कैसे कर सकती है? सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेगी। वाह वाह क्या बात है जीओ मेरे यार। वो हटो। क्या यार तुम भी। बोला ना मैं नहीं पीती हूँ। मजा आ गया। एवी एवी तुम पागल हो गए हो? तुम शराब पी रहे हो?
तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तुमने जो किया वो क्या किया है? मैंने शराब पी ली तूने? मैंने कोई शराब नहीं पी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने शराब नहीं पी। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है ना? शराब पी ली तूने? I hate you अभी। मैं जा रही हूँ। I hate you। मानसे, मानसे। अरे ले भाई ले, ले दम मिटा ले पी ले। क्या बात है? तू ही मेरा दोस्त है ब्रजेश्वर भाई। अरे दोस्त, हम तो दोस्त के लिए जान भी देते हैं। आओ यार, देखो भाई, अपना भाई, अपना भाई यार। ले 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 पी ले। लो पियो पियो। और भी ले। और अरे और एक बजाए। अरे पी। हाँ मस्त मजा है। बोल। हाँ पकिया भाई। अरे क्या दूसरा मरा ढूंढ लिया? चल निकल, तू भी निकल। अरे भाई सुनो तो। हाँ बोल रिंकू। तुम्हारी जमीन के लिए पार्टी लगी है भाई। हमारे धंधे के बीच में आना नहीं, समझा? कितनी बार समझाया तेरे को, लेकिन तू समझता नहीं यार। किस जमीन का बात कर रहे? अरे भाई वो है ना, वो तुम्हारी रोड से लगी हुई जमीन है ना, उस पर 500 करोड़ का पार्टी लगा है। वो जमीन का सौदा हाथ में से जाना नहीं मांगता, समझा? बज्रेश्वर भाई का राइट हैंड नंबर, राइट हैंड। इसीलिए तो अपन को बेचने दो ना भाई। ए रिंकू, हाँ? उस जमीन की तरफ देखना भी मत, समझा? और अपन के बीच में पड़ना भी मत। अरे को आ जाएगा लास्ट वार्निंग देना, लास्ट। अरे क्या पकिया भाई, समझदारी से सौदे होते हैं। ठीक है भाई, अपन तुम्हारे सौदे के बीच में नहीं पड़ेगा। अगर किसी ने बेच दिया ना तो अपन को नहीं बोलना। फिर भी बेचना हो ना भाई तो अपन को बोलना। वो तू साला बीच में आएगा तो तू भी साला बहुत फटके खाएगा। नहीं आएगा भाई, यार ये तो ना तो खुद कमाता है ना हमें कमाने देता है। चल रे शराब पीते हैं। क्या हो गया मानसी को, ये उदास क्यों लग रही है? क्या हो गया मानसी, खामोश क्यों हो? अरे बाबा कुछ तो बोलो। अच्छा, हमने उस दिन शराब पी इसलिए तुम नाराज हो? अरे कान पकड़ लिए मैंने, सॉरी, माफ कर दो ना प्लीज, कभी नहीं पीऊंगा, सच्ची प्रॉमिस। खाओ मेरी कसम कि आज के बाद शराब को हाथ तक नहीं लगाओगे, वरना हम मर जाएंगे। और वो ब्रजेश्वर की दोस्ती छोड़ दो, वो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है, हर वक्त घूरता रहता था। हमारी बीबी है ही इतनी खूबसूरत कि हर किसी की निगाहें टिकी ही जाती हैं। मस्का लगाना तो कोई आपसे सीखे। अच्छा देखिए, हमारे पास का सारा पैसा खत्म होता जा रहा है, अब कोई आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, वरना हम कैसे जिएंगे? कोई भी धंधा शुरू करने के लिए 1-2 लाख से कम पैसे नहीं लगेंगे, और अब इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं? अच्छा मानसी, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है?
सलाम। सलाम भाई। सलाम बगे भाई। चल बोल क्या खबर है। खबर पक्की है भाई। भाई वो तुम्हारी जमीन है ना 500 करोड़ की जमीन, वो तुम्हारा दुश्मन रिंकू सल्टा दिया भाई दूसरी पार्टी को। हाँ अगर खबर पक्की है तो 5 लाख, नहीं तो तू गया। क्या पकिया भाई, मुन्ना भाई कभी आपके साथ धोखा कर सकता है क्या। हाँ माल घर में भेज दो। और एक और खबर है भाई। क्या है। और वो जो अगली वाली पार्टी है ना अकेले आ रही, वो भी नियत मंदिर में, देख लेना। चलता हो भाई, पैसे भेज देना। चल ठीक है, काम होने के बाद 5 लाख पहुंच जाएगा तेरे घर। ठीक है भाई, पहुंचा देना भाई। चल चल भाई। मैंने बोला था ना तुमको, लेकिन तुम लोगों को तो सिर्फ आयाशी चाहिए, कर दे रहे 50 करोड़ का नुकसान। चलो 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 ठोकते। जितना तुझे उतना मुझे भी है, समझ में आया कि नहीं आया। अबे तुझे यही ठोक दूंगा। किसे बोल रहा है तू? अबे गीदड़ की औलादो, निहत्ता देखकर वार करते हो। मारना हाथ मार गोली, दमा तुम्हार। देख देख, अरे अरे देख। कसके है सबको ये मेरे जवाने, लुच्चे लपंगे करे छेड़खाने। कसके है सबको ये मेरे जवाने, लुच्चे लपंगे करे छेड़खाने। नाके पर का टेलर मुझको अजब नजर से देखे, अरे मौसमी हो जाए चोरी न मेरी तिजोरी है, फेर में सब शहर के टपोरे।
सलाम साहब। क्या नैना जी? हाँ? आजकल धंधा बहुत जोरों पे चल रहा है। क्या साहब, धंधा कहाँ चलता है? आप ही तो सुबह शाम आते रहते ना आजकल, किधर से कोई ग्राहक आएगा बताइए ना आप ही। क्या हो रहा मुन्ना, झूठी खबर देता है? नहीं नहीं साहब। समझ में आ गया बेटा, ये सरकार का दिया हुआ डंडा, गिल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं दिया है, समझे? आसा डालूंगा ना। समझ में आ गया? और नैना जी, बहुत जल्द मिलूंगा, समझे? अच्छा साहब, आप भी सेवा को मौका दीजिए ना। आइए ना साहब, आइए ना, हमारा दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। सुनिए नैना जी। हाँ जी जी, आज जल्द मिलूंगा। चलिए सर, गाड़ी में बैठिए, इनको मैं देख लूंगा। गए गए। चल 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 मुन्ना। अबे आज की रात हमारी आग मिटा दे, 2-3 लाख बनता है जो ले ले, बस आज की रात तेरी बीवी दिला दे। हाँ क्यों नहीं पकिया भाई। ए ब्रजेश्वर, आओ ना अपने ही घर है ये। इधर ही रुक, बाहर ही रुक, कोई आ ना पाए। ठीक है भाई, ठीक है। समझाना। अभी आप आ गए? हाँ मानसी। मानसी तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। आपने आज फिर शराब पी है ना? आपने मेरी कसम खाई थी ना कि आप कभी शराब नहीं पिएंगे। मुझे माफ कर दो मानसी। आज के बाद कभी नहीं पिएंगा। माफ कर दो मानसी मुझे। मुझे माफ कर दो, मुझसे 2 लाख रुपए नहीं होगा। सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार के लिए, अपने धंधे के लिए 2-3 हजारों से पैसा मांग रहा था, लेकिन किसी ने पैसा नहीं दिया। मानसी, मैं अपने परिवार को कैसे खुश रखूंगा? लेकिन तुझे पता है मानसी, मुझे 2 लाख रुपए मिल गए। ये तो खुशी की बात है ना। तुम आंसू क्यों बहा रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो एवी? मानसी पर उसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तुझे है ना, उन 4 दोस्तों के साथ एक रात गुजारनी होगी। क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? तुम पागल हो गए हो? आप अपनी बीवी के साथ ऐसी बात कैसे कर सकते हो?
मुझे माफ कर दो मानसी, तुम वो 2 लाख रुपए लेके कहीं चले जाओ मानसी, वो खुश रहना। नहीं अभी नहीं, मैं जीऊंगी भी आपके साथ और मरूंगी भी आपके साथ। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही वक्त पर आए। मैं चलता हूँ। रुको, मैं ही आती हूँ। आ गए तुम? हाँ भाभी। तुमको वो ब्रिजेश्वर ने भेजा है ना? हाँ। आओ चलो, आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। अरे भाभी। अरे आओ।
चलो घर दिखाने की शुरुआत अपने बेडरूम से कर। भाभी घर भी जाना है। चलो भी ना यार। क्या भाभी? अरे अभी दरवाजा लॉक करो ना। अरे भाभी घर जाना है। अरे आओ ना, हमारे साथ भी थोड़ा समय गुजारो। जाने दो ना भाभी। अभी दरवाजा बंद करो, आओ। बियर खोलते हो या मैं खोलूं? नहीं खोल देता हूँ ना। भैया ने आपके लिए बियर भेजी थी। जानती हूँ, ब्रजेश्वर तेरे घर पे है ना, तेरी बीवी के साथ। आपको कैसे पता भाभी? उसकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। जब भी दूसरे की बीवी के साथ सोएगा तो उसके हस्बैंड को यहाँ भेज देता है, इसलिए तुझे यहाँ भेज दिया मेरे पास। भाभी ये क्या कर रहे हो? तू पूछता बहुत है। अरे भाभी, पीछे लगा हुआ हूँ तेरे हुस्न को पाने के लिए। Oh
25,000 रुपए। पच्चीस हजार मुझे क्यों भाभी? तुझे क्या लगता है कि बस तेरी बीवी कमा सकती है, तू भी कमा सकता है? बस जिस दिन मैं कॉल करूं उस दिन आ जाना। जी भाभी। चल बाय। बाय भाभी। मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये देख, ये पुराना ही अभी है तेरा। नहीं, तुम बदल चुके हो, तुम बदल चुके हो। नहीं मानसी, नहीं, दो रहो मुझसे, तुम बदल चुके हो। नहीं मानसी। हम ये शहर छोड़ देंगे ना अभी? हाँ छोड़ देंगे। मेरा मन नहीं लगता, यहाँ से कहीं दूर चलो। चले जाएंगे। मैं तुम्हें खुशखबरी बताने वाली थी। क्या? पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये क्या कह रही हूँ मानसी? उन आदमी को गए वो तो 24 घंटे भी नहीं हुए। अब ये तुम्हारा बच्चा है, हमारे प्यार की निशानी है। उन लोगों के छूने से पहले मुझे वॉमिटिंग हुई थी। हम ये बच्चे गिरा देते हैं मानसी। नहीं, अगर मैं बच्चा गिराऊंगी तो मेरे साथ फिर वही करोगे। नहीं मानसी। नहीं नहीं गिरोगे मैं बच्चा अपना। अब ऐसा नहीं होगा मानसी, तुम जैसा कहोगे वैसे ही करूंगा मानसी। सलाम 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 सलाम।
अरे अरे सब मैंने क्या किया सब? सब मैंने तो कुछ भी नहीं किया सब, आप तो मुझे जानते हो ना सब। मुन्ना गबरी, प्यारे मुन्ना, कल जो गैंग वार हुआ उसमें किसका हाथ है बोल? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो कहीं और था साहब। लेकिन साहब एक और ब्रेकिंग न्यूज है साहब, खबर पक्की है। हाँ अबे तू ये बताने वाला, चल जल्दी मुंह फाड़। साहब अब क्या बताओ साहब, मुन्ना खबरिया ने साहब कभी बेईमानी नहीं करता। अच्छा तो क्या खबर है बोल? वो अपना एवी है ना, अविनाश राठी। हाँ उसने अपने घर में धंधा शुरू कर दिया साहब, अपनी बीवी के साथ चार चार को सुलाता है। हाँ। अच्छा आज तो इसका मुंडन करके रखेंगे साहब। ज्यादा समझ में आता है क्या, तो पुलिस वाले को चूना लगा रहा है? अब वो क्या है ना साहब, हम तो पान को ज्यादा कत्ता लगा कर पूछने जाते नहीं ना साहब। जो पता है वो पता है, मुन्ना गबरी झूठ नहीं बोलता है। जो पता है वो पक्की खबर होती है साहब अपनी। बहुत जल्द पता चल जाएगा किसका हाथ है और किसका नहीं। अरे साहब ये बेईमान आदमी की तरफ से तुम ईमानदार आदमी को तोहफा समझो, तोहफा फ्री फ्री सलाम। समझे मुन्ना, बहुत जल्द मिलो। चलते हैं साहब। सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम। चल निकल चल। मानसी, हेलो। हेलो। अरे मानसी कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? तेरे हस्बैंड कैसे हैं? और तूने मुझे एक भी बार फोन क्यों नहीं किया? वो सॉरी मानसी, कॉल नहीं कर पाई। चल कोई बात नहीं। तू आ गई क्या हनीमून से? हाँ मैं आ गई। और मानसी कैसी है तू? सब ठीक है। अच्छा कैसा रहा हनीमून तेरा? मस्त था। मस्त क्या हुआ मानसी, सब ठीक तो है ना? हाँ सब। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं ऐसी कोई बात। मुझे बता। वो मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके बाय। अरे सुन तो मानसी, सुन ना मानसी। मानसी क्या हो गया? हाँ हे भगवान, कुछ गलत तो नहीं होगा ना मानसी के साथ? काफी परेशान लग रही थी वो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे कन्हैया का दूध तो लेके आ। हाँ 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 अभी आ रही हूँ। हे भगवान सब ठीक हो। लीजिए। अच्छा मुझे अभी मानसी का फोन आया था, वो बहुत परेशान थी। अच्छा मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके पास चली जाऊँ। हाँ चली जाऊँ, हो सके तो उसे चार पांच दिन के लिए यही बुला लेना, माइंड फ्रेश हो जाएगा। तुम कितने अच्छे हो। काश उसका भी पति ऐसा ही अच्छा हो। सलाम भाई, वो बाहर का पार्टी आई ला। डिमांड क्या है उसकी? बहुत अजीब डिमांड है उनकी। क्या मांग लगा? जवान जवान लड़की मांगते हैं, कहाँ से लाएगा? हाँ मुझे। अच्छा हो जाएगा, तुम जाओ। सलाम अच्छा भाई, भाई चलते हैं। सलाम। अभी अरे वो बजरेश बाबा का कोई रिक्वायरमेंट है, ले देवा से बात कर रहा, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। अच्छा ठीक। हाँ हेलो अभी। हाँ देवा भाई। अरे यार नया माल चाहिए, और तेरे बीवी से हॉट तो कोई हो ही नहीं सकता। नहीं भाई नहीं, लैंड की डील है। अरे वो है ना प्रेग्नेंट हो गई है। पार्टी को लड़की देकर खुश करना है। क्या बताऊँ यार, 7 महीने का बच्चा। अच्छा यानी उससे मिले तो 7 महीने हो गए, यानी वो अपना ही है।
किसी को। बहुत खूबसूरत लग रही हो, तू अपना ख्याल क्यों नहीं रखा करती? वाह, इतना प्यार, इतना प्यार अगर आज के 5 साल पहले दिखाया होता ना, तो ये कदम कभी घर की दहलीज के बाहर नहीं निकलते। देखो रिया, अरे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। उसका क्या है, वो एवी है ना, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, और पता है पार्टी बहुत बड़ी है, एक ही रात की तो बात है ना। प्लीज रिया, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना, प्लीज यार। मैं तुम्हारी बीवी हूँ ब्रजेश्वर, कोई चट्टे पे बैठी क्या नहीं कि तुम जब चाहोगे मुझे कहीं भी भेज दोगे। जिस पे मेरा दिल आएगा ना, मैं उसी के पास जाऊंगी। रिया, देखो मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, तुम मेरा गरीब अपमान, तुम मुझे हाथ पार कर रही हो। रिया, रिया, गरीब अपमान, रिया, चुपचाप सो ले, समझी ना? ब्रजेश्वर छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो, मैं कोई वाली नहीं हूँ जो तुम्हारे आदमी के साथ सोऊंगी। ब्रजेश्वर छोड़ो मुझे, ब्रजेश्वर चल चल। सर, जमीन की डील पक्की होनी चाहिए बस। नहीं, नहीं। ब्रजेश्वर भाई, जमीन की डील पक्की। अच्छा, अचानक क्या हुआ होगा उसे? डॉक्टर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मानसी, मानसी, तुझे कुछ नहीं होगा मानसी, हिम्मत से काम ले मानसी, 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 सब कुछ अच्छा होगा मानसी, तू बस हिम्मत से काम ले मानसी, मानसी, कुछ नहीं होगा मानसी तुझे। कनिका मेरे पे एहसान करेगी, मेरे बच्चे की माँ बनेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू क्या बोल रही है? चल, तू घर चल। नहीं, मुझे पहले तो समय चाहिए, मैं पहले उससे तो देख लूं जिस पर मेरी जिंदगी निर्भर करती है। सबको ये बताना कि मुझको मरी हुई बच्ची पैदा हुई थी, उसका ख्याल रखना। मानसी, तू चिंता मत कर, मैं इसे माँ का प्यार दूंगी। लेकिन मानसी, तू अपना ख्याल रखना, चिंता मत करना, मैं तेरे साथ हूँ। कल रात से कहाँ गायब थी और मेरा बच्चा कहाँ है? मर गया तुम्हारा बच्चा। अगर इतनी फिक्र थी ना तो हॉस्पिटल क्यों नहीं आए? अच्छा हुआ मर गया, वैसे भी उसे पालने की ताकत हम में नहीं थी। अच्छा सुन, जा थोड़ा सज धज ले, धंधे का टाइम हो गया। घर में धंधा शुरू कर दिया? हाँ। नहीं करूंगी मैं। अच्छा ठीक है, फिर सुन, तुम्हारी वो जो फ्रेंड कनिका है ना, उसे मार डालूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे एवी, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, तुम जैसा बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरी फ्रेंड को कुछ मत करना, प्लीज कुछ मत करना उसको, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। जा।
जा तैयारी कर, मैं कस्टमर ढूंढ के आता हूँ। मानसी, आपके परिवार में कोई और है? आपका हस्बैंड, आपकी माँ या आपका भाई वगैरह? नो सर, मेरे परिवार में और कोई भी नहीं है। क्या बात है डॉक्टर? मानसी, मैं जो बोलने जा रहा हूँ उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ये उसकी दी हुई है। उसे कब कहाँ वह हमसे छीन ले ये कोई बता नहीं सकता। डॉक्टर, मुझे सीधे सीधे बताइए कि मुझे क्या बीमारी है। मानसी, यू आर अ अच्छा भी पॉजिटिव। मानसी, क्या तुम पागल हो गई हो? जिस बीमारी का नाम सुन के इंसान की रूह कांपती है और तुम हंस रही हो? क्योंकि डॉक्टर साहब वो जीना चाहते हैं और मैं मरना। जानते डॉक्टर, जब अपना ही कोई हमसे बेवफाई करे, हमें तिल तिल मरने के लिए छोड़ दे, रोज वो मुझे एक हसीन मौत देते। मेरे आत्मसम्मान, उन्हें लगता है वो हमें दर्द देकर डरा धमका कर, लेकिन हम उस दर्द को भी पी लेते हैं उनका प्यार समझकर। डॉक्टर, आपको कोई लड़की है? होगी ही, उसके लिए भी आपने कोई सपना देखा होगा, उसकी शादी को लेके उसका एक अच्छा सा पति हो। लेकिन सोचिए, उसका पति शादी के बाद आपकी बेटी के साथ रात अंधेरे में तुम्हारी बेटी को अपने दोस्तों के साथ सुलाए, तो आपको कैसा लगेगा? उस लड़की को कैसा लगेगा? हर रात वो रोज मेरे साथ ऐसा ही करते थे। धीरे धीरे उसे लाइसेंसधारी प्रोस्टिट्यूट बना दिया। नहीं समझे? समझाती हूँ। लाइसेंसधारी मतलब गले में प्यार भरा मंगलसूत्र जो 100 रुपए में भी आता है और 1 लाख में भी, लेकिन लाइफ टाइम चलता है। तो सो जाए किसी के भी साथ, कोई हिसाब नहीं लेता। मैं तो बहुत ही छोटे से शहर की हूँ, नागपुर शहर से, पर हमारे देश में सुना है कि हर मेट्रो सिटी में ऐसा ही होता है, लेकिन वो कॉन्डम लगाते हैं इसलिए उन्हें नहीं होता होगा, है ना डॉक्टर साहब? और एक मेरे पति ने, इसलिए मुझे एचआईवी हुआ होगा ना? हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। डॉक्टर, एक बात पूछो। आप पूछो। मेरे पास समय कितना है? आप जी सकते हो, सिर्फ आप प्रिकॉशंस लो। जो मैं बताता हूँ आप करो,
आप अच्छे से जिंदगी जी सकते हो। मुझे सिर्फ 5 दिन चाहिए, फिर सुकून से मौत की आगोश में सो जाऊंगी। मानसी रुको, मानसी रुको, एक मिनट रुको, मानसी रुको, मानसी एक मिनट मेरी बात तो सुनो, मानसी। पता नहीं ये मानसी आएगी कि नहीं आएगी। हे भगवान, बहुत गलत हुआ इस। मानसी? डॉक्टर, मैं अगर इन 5 दिनों में लौट कर नहीं आती तो ये आप मेरी फ्रेंड को दे देना, इसमें उसका नंबर है। ठीक है। इंसानियत के नाते डॉक्टर प्लीज दे दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। शायद मेरी लाश किसी गटर में या फिर किसी कोठे पे मिले। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो मानसी, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए आपकी रिपोर्ट। डॉक्टर, आप मेरा लेटर मेरी दोस्त कनिका तक पहुंचा दीजिएगा। अगर मैं ना आ पाऊं तो ठीक है। वाह भगवान वाह, खूब खेल खेला है आपने मेरे साथ। बचपन से लेके आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आपने मुझे लावारिस पैदा किया। मैंने कुछ नहीं कहा, जिससे मैंने प्यार किया वो मेरी भावनाओं से खेलता रहा। उसने जो हमारे साथ किया उन 4 हैवानों को सजा मिलनी चाहिए भगवान। जिन्होंने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया मुझे माफ कर देना भगवान। मैं सत्यों की सीता नहीं हूँ जो मैं गुनहगारों को माफ कर दूँ। ये कलयुग है, मैं अपना बदला जरूर लूंगी भगवान, जरूर लूंगी भगवान। मेरा साथ दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं उनसे बदला ले सकूं। मैं नहीं छोड़ूंगी उन लोगों को, मार दूंगी उन लोगों को जिसने मेरे साथ ये सुलूक किया, जिन्होंने मुझे ये बीमारी दी। मैं उन्हें नहीं जिंदा छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। जमीन तो अच्छी है, बस अपने भाव में पड़ जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, देखते हैं आगे अपने ही फायदा है। अच्छा, 14 कर लीजिए, जमीन बहुत अच्छी है और ऐसा सौदा आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। क्या कहता है तू? नॉट बैड। ओके ओके, चलो चलो पार्टी करते हैं। ओके, वेरी नाइस। बकिया रुक, बकिया ज्यादा कहा है, रुक।
अवे 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 मानसी ये क्या हालत करी मानसी तुम मेरे कहने पे आए अभी तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा क्या कहा वो डॉक्टर है ना वो डॉक्टर ने पता है क्या कहा वो पागल है तुम मुझसे प्यार करते हो एवी हाँ मानसी मैं तुम्हारे बाहों में सोना चाहती हूँ चल मानसी चल चल इतनी नफरत करता है फिर भी तू काय को मेरे से इतना प्यार करती है हाँ आप मेरे पति हो पति परमेश्वर होता है मैं जीवित हूँ तो सिर्फ आपके लिए आपके अलावा मेरा कोई नहीं है लीजिए ना खा लीजिए अरे बोला नहीं खाना है जा काम कर आओ मानसी आओ आज अचानक हाँ क्या पक्के से आजकल तो अपना दरवाजा दिखता ही नहीं है तुमको अब तो हमें चाहने वाली हमारी खूबसूरत सी बीवी जो घर में है आह चल जा फिर कभी आना क्या सेठ बीवी को मस्का लगा रहा है क्या तू जा आपके लिए तो मेरी जिंदगी कुर्बान है आपके हाँ में मेरी हाँ है आपके ना में मेरी ना है ना कोई गिला है ना कोई शिकवा वाह क्या हिंदुस्तानी औरतें होती है उनका पति रात के अंधेरे में 100 जगह मुंह मारे तो भी वो पर्दे में ही रहती है और जान यू आर सो हॉट मेरी जान क्या कहते हो ये बिल्कुल तुम्हारे सिचुएशन पे है दरवाजा कैसे भटक गई तुम क्या से आजकल तो मिलता ही नहीं है आजा चल चल यही है क्या विजय जी का घर यही है हाँ यही है मैं उनसे मिल सकता हूँ पर चाचा घर पे नहीं है कहाँ गए कॉलेज गए काम से क्या मैं कनिका जी से मिल सकता हूँ क्या हाँ चाचे से मिलना है हाँ हाँ मैं बुलाता हूँ ठीक है अरे अभी तुम यहाँ हाँ मैं मानसी को ढूंढ रहा था कनिका जी वो यहाँ आई है क्या नहीं तो क्यों क्या हुआ अरे दो दिन से वो गायब है पता नहीं वो कहाँ गई है अच्छा दो दिन पहले ही मुझे उसका फोन आया था काफी परेशान लग रही थी
तुम तो उसके हस्बैंड हो ना, तुम्हें उसने कुछ नहीं बताया? नहीं, उसने मुझको कुछ नहीं बताया। तुम उसे खुश नहीं रखते क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऐसा कैसा कर सकती है? मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। तुम्हें पता चले तो तुम बता देना। हाँ, ठीक है। ये बच्चे की रोने की आवाज, ये किसका बच्चा है? होगा ही कोई अपना, है ना? इसका कोई और दोस्त है क्या जिसको तू जानता हो? हाँ चाची, मैं चलता हूँ। नहीं। हाँ ठीक है बेटा, तुम जाओ। हाँ भाई, अच्छा है। हाँ भाई, आना है। हाँ हाँ, अच्छा भाई। हाँ भाई, आओ मानसी। क्या देवा, आजकल अपने दरवाजे तक आते ही नहीं हो? आजकल काम बहुत है ना मानसी। ला, मैं भरता हूँ तेरी मांग। हेलो पगे भाई। हाँ बोलना। बहुत बुरी खबर है। क्या भाई? वो मानसी है ना भाई? वो भाई आपके पास आई थी क्या? वो आई थी। कुछ किया क्या तुमने? हाँ किया था। वो HIV पॉजिटिव है भाई। क्या? फिर आपको भी HIV हो गया होगा साहब। क्या हो गया बताओ तो सही। क्या हुआ? अरे बताओ तो सही प्रकाश। हेलो हेलो मानसी। कनिका, अरे तू कहाँ है पागल? सब परेशान है यहाँ। तुझे पता है अभी आया था? कहाँ, तू दो दिन से गायब है। कुछ ऐसी चीज है तो मुझे बता प्लीज। क्या परेशानी है मानसी, प्लीज मुझे बताना। मैं तेरी दोस्त हूँ ना। बता मानसी प्लीज, क्या हुआ? कनिका, मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर सेठी के पास चिट्ठी छोड़ी है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो तुम्हारे तक पहुंचा देंगे। तू ऐसा क्यों बोल रही है? अब मैं बहुत दूर निकल चुकी हूँ, मैं अब वापस लौट कर नहीं आ सकती। स्टूपिड, तुझे कुछ नहीं होगा। तू बस ये बता तू कहाँ है। अरे पागल, तेरी बच्ची के बारे में सोच, उसका क्या होगा? तू बस सिर्फ मेरी बच्ची का ख्याल रखना, उसे अपनी बेटी मानकर एक अच्छे घर में इसकी शादी कर लेना, उसकी माँ बनकर जीना। समझ लेना कि मेरी आत्मा को शांति मिल गई। देख मानसी, कुछ गलत मत करना। देख मानसी, 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 मुझसे एक बार मिल ले प्लीज, आखिरी बार मिल ले प्लीज। मानसी तो सुन रही है ना मुझे, मानसी। मानसी, मानसी। डॉक्टर साहब, आप मानसी को कैसे जानते हो? आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हैं? जी हाँ। वो HIV पॉजिटिव। क्या? मानसी को HIV पॉजिटिव हुआ है? हाँ। और उसने मुझे बताया तक नहीं। ये आपके लिए उन्होंने चिट्ठी छोड़ा है 4-5 दिन पहले। ये लीजिए चिट्ठी। मुझे प्लीज एक बार मानसी से मिला दो। बताइए ना डॉक्टर, वो कहाँ है?
तुम्हारा ही नाम था उनकी आंखों में, आपको ही बताने को बोला है, इसलिए मेरा फर्ज है तो आपको मैंने बताया। उसकी बच्ची आपके पास है? हाँ, अब मैं उसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। आज उसने फोन किया था, उसने कहा मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। डॉक्टर, आपको पता है वो अभी कहाँ है? हाँ, वो कुछ तो भी ब्रजेश्वर पकिया वगैरह कुछ। बजेश्वर? हाँ, अरे मानसी, अरे आओ मानसी आओ, क्या बात है, बहुत दिन के बाद हमारी याद आई। क्या बात है, मुझे घर पे नहीं बुलाओगे? अरे क्या बात कर रही हो, ऐसे कैसे कह रहे हो, अरे ये तो तुम्हारा ही घर है ना, आओ आओ ना। आओ, रुक जाओ यार, चल तू बाहर निकल, ये तेरा घर नहीं है। मरेगा तू, तुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, कुत्ते की मौत मेरे काले, तू देख लेना। हम मौत ही तो देने आए हैं नेहा जी। हाँ? हसीन मौत है ना ब्रजेश्वर? सही बात है, एकदम सही बात है, ए, चल तू निकल, चल। अरे आओ मानसी आओ। कुत्ते की मौत मरेगा तू, एक सुहागन की बद्दुआ है तुझे। फिर से एक बार तुम्हें छूने का। ब्रजेश्वर दरवाजा तो बंद कर दो। हाँ जरूर जरूर। हाय। आओ ब्रजेश्वर आओ। आ गए चल। क्या बात है मानसी। वाह। अरे एक मिनट। क्या ब्रजेश्वर, हमारे होते हुए तुम फोन पे बातें करोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, जाने दो। चलो आ जाओ, आ जाओ बाहों में।
तड़पाओ, आओ ना करीब। किसका फोन है? अब तुम्हारा बज रहा है, आओ ना, काट दो उसे। मानसी आओ ना, मानसी। क्यों चिल्ला रहे हो भाई? HIV पॉजिटिव है, इसी लड़की ने हमें HIV दिया है भाई। चल रे, चल 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 भाई, चल चल बच, बच। डाल उसको, डाल, चल 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 रे, गाड़ी में बैठ। What the?